अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू घरेलू पकवान। आज हम बनाने वाले हैं जीरा काली मिर्ची का चार। जो मुंह खराब हो गया, बुखार को, तबीयत बिगड़ को, क्या भी खाने नहीं हो रहा है, कह तो ये खट्टा खट्टा तेज तेज चटपटा रहता है। ये चार में खाना खाने से खाई जाता है, मुंह अच्छा हो जाता है, खाने खाए लायक। इसके लिए एक बड़ी लहसुन का डली लेके इसको छिल लिया है। हाफ स्पून काली मिर्ची, एक स्पून जीरा, एक बड़ी प्याज में थोड़ी पीसने रख लेके थोड़ी बगार को काट लिए हैं, थोड़ी कोथिमीर, थोड़ी करी पत्ता, ये सब पीसने के लिए है। ये बगार के लिए है। प्याज के स्लाइस कर ली, थोड़ा करी पत्ता धो के रख लिए हैं वॉश करके, थोड़ा लहसुन कुचल के रख लिए हैं बगार के लिए। अब ये मसाला पूरा ग्राइंड करना है। अमली धो के भिगने डालना है, पानी डालना है इसको, अमली का रस निकालना है। धो के रखी हूँ, पानी डालना है। अब मैं बगार के लिए ये एक देगची रख लियो, इसमें मसाला पीस को रख लियो, कोथिमीर, प्याज, लहसुन, जीरा, काले मिर्चा, एक तीन चार पत्ते करे पाक के, ये मिर्ची, दो टीस्पून मिर्ची लेकर हूँ, हसबे जायका नमक, ये इमली का रस निकाल के रखी हो, ये बगार के लिए लहसुन, प्याज, करे पाक, दो मिर्ची कट करके रखी हूँ, राया, जीरा। अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा गर्म होने के साथ राई और जीरा डालूंगी। नए दोस्तों से गुजारिश है, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर और ज्यादा दोस्तों, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लहसुन डालूंगी, ये थोड़ा पकने के बाद प्याज डालेंगे। थोड़ा लाल लाल हो रहा है, अभी प्याज डाल के खाएंगे। उसे भी थोड़ा गोल्डन, प्याज की, लहसुन की, और थोड़ा ब्राउन होने देंगे। इसके साथ मिर्ची और करी मिर्च डालेंगे। बगार में ये पिसा हुआ मसाला डालेंगे। ये लाल मिर्ची पाउडर भी डालेंगे। ये स्पून से दो स्पून नमक डाल रही हूँ, कम पड़ेगा तो फिर डालना पड़ेगा।
करेंगे। ये बहुत पानी नहीं रहता, रसम जैसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा डाल के राइस पर, पका हुआ चावल पर डाल के खा सकती। अब इसको उबाल आने देंगे, अब चक्के देखेंगे। आ रहा है अब मैं स्टोव ऑफ कर रही हूँ। चार बन गया है, इसको ज्यादा नहीं पकाते, बस इतना पके तो बस। सर्व करने के लिए चार रेडी है। जीरा काली मिर्ची का चार तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग घरेलू पकवान।